वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी गाइस सुबह के 5 बज रहे हैं, फिलहाल मैं उठ गया हूँ बिकॉज आज जा रहे हैं कैंची धाम मंदिर। चलते हैं सीधा पारस भैया के बारे में, पारस जी को पिक करते हैं और फिर निकलेंगे। तो गाइस वो भी आ गए अपनी फॉर्चुनर लेके। तो अभी गाइस मंदिर होके आ गए हैं एंड यहाँ अब चलते हैं थार लेके अपनी कुछ खाने के लिए। यहाँ पे सुबह सुबह 5 बजे उठ के हम बिना खाए पे आ गए मस्त। तो गाइस हमारे पकौड़े आ चुके हैं, पकौड़े भी चटनी, ब्रेड पकौड़े और चाय भी आ गई है मस्त। ये कौन से है? मूंग दाल के पकौड़े। अच्छा मूंग दाल के पकौड़े। मंदिर में इतना अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा बेस्ट। हम नहाने के लिए यहाँ पे मस्त नदी है, देखो पीछे चश्मा भाई गिर गया, चश्मा चले जाएगा। गाइस फुल मजा आ रहा है, इतना ठंडा पानी हो रहा है ना और एकदम सिर सुन्न पड़ गया है। गाइस एक पंगा हो गया, देखो मेरा फोन टूट गया यहाँ पे, पत्थर पे लग के टूट गया। बार तो बोल रहा था मत डालो पानी, मत डालो, पीछे से पूरा क्रैक आ गया यार। इतनी बार बोल रहा था भाई, ऊपर से 1 TB है ये। कोई बात नहीं, बोल दिया कि फोन शूट कर रहा हूं, अभी से शूट करेंगे, अब इसको पानी में डालेंगे। यहां पे रुके खाने के लिए, बाहर का व्यू देखो कितना मस्त है, चावल आलू दाल। यहाँ से व्यू देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है, देखो कहाँ चला दोनों गाड़ियाँ आगे से। तो भाई हल्द्वानी पहुंच चुके हैं, सरदागे वाली। मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। जय बाबा नीम करोली जी की जय।